स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको कि जब तक लक्ष्य प्राप्ति ना हो जाए। सोचो कि जो लोग अपना लक्ष्य केवल इसलिए छोड़ देते हैं कि इसके लिए चलना बहुत पड़ेगा, इससे ज्यादा बड़ी असफलता उनके लिए तो कोई हो ही नहीं सकती है, क्योंकि सफलता वो असफलता तो बात की बात है, खुद को बिना प्रयास के असफलता की ओर धकेल देना, इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अपना दिल आपका सबसे बड़ा दोस्त है, वह आपके लिए केवल और केवल आपके लिए धड़कता है, ताकि आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर सके। आपके शरीर का खून, आपके शरीर की खून की हर एक बूंद हमेशा चलते रहती है, क्यों? वो कभी नहीं रुकती, केवल इसलिए कि आप और आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। आपके शरीर के बहुत से अंग ऐसे हैं जो चलते रहते हैं और यह संदेश देते रहते हैं, लगातार चलता रहना ये सफल जीवन का एकमात्र आधार है। आपका कान हमेशा सुनते रहता है, आपके कान हमेशा आपको अच्छी बातें सुनाते रहते हैं, आपकी आंख हमेशा देखते रहती है, किसके लिए? केवल और केवल आपके लिए, ताकि आप सफल हो सके, ताकि आप सफलता की ओर हमेशा बढ़ सके, ताकि आपकी सफलता आपकी ओर बढ़ सके और आप अपनी सफलता की ओर हमेशा बिना रुके बढ़ते रहें। दोस्तों, अब मैं आपको फिल्म सफर के एक गाने के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसे मन्ना डे ने गाया था। जरा इसकी मोटिवेशनल लाइन को जरा सुनिए। नदिया चली रे धारा, चंदा चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है, तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। पार हुआ वो रहा जो सफर में, जो भी रुका फिर कला वो भंवर में, नाव तो क्या बह जाएगा तुम्हारा, बड़ी ही तेज समय की है धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। तो देर किस बात की है दोस्तों, आज और अभी से कमर कस लो और लक्ष्य तय करके उसकी ओर चलना शुरू कर दो, चलते रहें और बीच रास्ते में आई बाधाओं को सीना तार कर पार करते रहें, तो सफलता निश्चित ही आपके कदमों में होगी, कदमों में होगी। और सक्सेस डज नॉट कम टू यू, यू गो टू यू।